गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, आज 2 अक्टूबर है और टाइम हो रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैंने इस फार्मा कंपनी का एक स्टॉक लगाया है, उसका सन फार्मा के स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और देखेंगे। यहाँ पे अभी इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है 948, यहाँ पे हम देखेंगे कि और ये प्राइस कहाँ तक ऊपर भाग सकता है। यहाँ पे पहले से ही मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जस्ट ऐड कर लिया है। ये जो रेड कलर की लाइन है 5 दिनों की है और 10 दिनों की ब्राउन कलर की है, ये जो लाल कलर की है 20 दिनों की मूविंग एवरेज है और ये येलो कलर की 50 दिनों की मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये हरी वाली 100 दिनों की मूविंग एवरेज है और ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे हम क्लोजिंग प्राइस देते हैं 948.65 हुआ है, और ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं हम और यहाँ पे आ जाते हैं। जो इस साल का जो लो बनाया है इसने 800 रुपये का 5790 आ रहा है, उससे ऊपर अगर हम देखेंगे 200 दिनों की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये अच्छा खासा तगड़ा क्योंकि जब भी ये स्टॉक नीचे गिरा है और अच्छी तगड़ी खासी रैली हुई है यहाँ से। अगर यहाँ पे देखोगे 100 दिनों का मूविंग एवरेज से अच्छी खासी तगड़ी रैली हुई है, और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि हर ईएमए से तो ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसमें लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करना है, अगर नीचे भी जाता है घबराइए मत, ये 100 दिनों का मूविंग एवरेज आ रहा है 880 रुपये। मैं इसे थोड़ा डीप नीचे एसएल दे दूंगा यहाँ पर, ये होगा आपका 850-840 का एसएल होगा आपका। अगर आप वही निवेश करें जो सही में जो आप अपना पैसा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं तभी इस स्टॉक में आप निवेश करें। अगर आप बोलोगे अभी कल निवेश कर लें, अगर प्राइस 1000 रुपये चले जाएगा अगर तब निवेश करोगे और थोड़ा नीचे आ जाएगा घबराइएगा मत, उनके लिए नहीं है जो जिनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई बनाया है, ज़्यादा कुछ देरी नहीं हम 2015 अप्रैल के महीने में चले जाते हैं और इसने यहाँ पे देखिए इसने ये स्टॉक ने लगभग 1200 रुपये का हाई बनाया हुआ है। अभी ये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 948। ऐसा नहीं कि आज 2 अक्टूबर को ही हमने ये वीडियो बनाया, इससे पहले जब ये प्राइस चल रहा था 800-850 के ऊपर, यहाँ पे मैंने मेरे यहाँ पे ग्रुप में भी डाला है, यहाँ पे वीडियो में भी डाला है सनफार्मा का, अगर यहाँ पे आप सनफार्मा का मैंने यहाँ पे डाला है, ये डाला है 6 महीने पहले करीब। ये सनफार्मा का स्टार्टेजी हमने डाला है कि ये ऑल टाइम हाई पर ब्रेक करके ऊपर चले जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे हम टिकट टेप में आ जाते हैं, टारगेट बताने से पहले यहाँ पे हम टिकट टेप में आ जाते हैं और यहाँ पे सनफार्मा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि 89 एनालिस्ट की राय है कि बाय कर लीजिए, 89 एनालिस्ट की राय है बाय कर लीजिए यहाँ पर। अगर हम आरएसी की बात करते हैं यहाँ पे तो उतना ओवरब्रॉड नहीं है, 66 चल रहा है, मतलब मजबूती पकड़ी हुई है ये स्टॉक ने। ऐसा नहीं कि 80 आ जाएगा तो वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ओवरब्रॉड यहाँ पे 80 के बाद और जा भी सकता है ये स्टॉक, और मेरा अनुमान है कि ये स्टॉक आराम से ऑल टाइम हाई जो 1200 रुपये बढ़ा है उसको भी जोड़ के चले जाएगा। अगर यहाँ पे नीचे हम अगर देखते हैं यहाँ पे हमने एमएसडी का भी चार्ट लगा लिया है, यहाँ पे हमने एमएसडी का भी लगा लिया है, यहाँ पे देखते हैं वो 0 के ऊपर है और ये सिग्नल लाइन ऊपर क्रॉस करके निकली, मजबूती का सिंबल हमें नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम टारगेट की बात करें जैसे हमने बताया वो 1200 थोड़ेगा, और यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट में भी आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम एनएससी की वेबसाइट में भी आके देखते हैं डिलीवरी क्वांटिटी हमें दिखाई दे रहा है 52% डिलीवरी पिछले महीने हमने देखा यहाँ पर। आप तभी जिसको रिस्क मैनेजमेंट आता है वही इन्वेस्ट करें, फिर से हम बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं आप लगा दीजिए, आप भी अपना स्टडी करिए और तभी इन्वेस्ट करें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है ग्रेटर एंड ग्रेटर, यहाँ पे भी हम कॉल्स देते हैं इंट्राडे की बेसिस के ऊपर पोजिशनल कॉल्स देते हैं यहाँ पर। दिस ऐसा नहीं है कि हमारे एसएल हिट नहीं होते हैं, यहाँ पे देखिए कल हमने कहा कि हिंडल को यानी कि 29th के देखिए यहाँ पर 29th का डेट है, यहाँ पे हमने हिंडल को बाई करने के लिए कहा था 370-374 पे, और यहाँ पे 317 में प्राइस ड्रॉप हुआ था, तो हमने कहा कि 2-3-4 रुपये के बाद एग्जिट कर लीजिए यहाँ पर। एग्जिट यहाँ पे देखिए एग्जिट विद अ माइनर लॉस, मगर देखते हैं कि 30 सितंबर को इसने अच्छी खासी रैली दी थी, जो हमारा अनुमान था एक्चुअली 384-390 वो अगले दिन उसने रैली पकड़ी है। यहाँ पे हम 30 सितंबर को हमने लोपिन दिया 674 का बाई करने के लिए, फिर हमने कहा कि IGL को शॉर्ट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने ग्रैनुल्स भी बाई करने के लिए कहा था, और यहाँ पे मैंने अपोलो हॉस्पिटल का फुट ऑप्शन 4400 फुट 160 रुपये में बाई करने के लिए कहा था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसा नहीं कि हम रोज़ ही 4-5% पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 1.2% बाउंस होने को मिला, लेकिन हमने कहा कि इमीडिएटली 50% क्वांटिटीज होल्ड कर लें और बाकी का एसएल जहाँ पे जिस प्राइस पे बाई किया वहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। और यहाँ पे 180 आते ही हमने यहाँ पे बोल दिया था कि सेफ ट्रेडर्स यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, जो अपोलो हॉस्पिटल का फुट ऑप्शन था। और देखिए यहाँ पे ग्रैनुल्स मैंने 333 में बाई करवाया था, मगर वो दिन 343 में चले गया था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बोला 205 प्राइस चल रहा था, और मैंने बोला कि रिस्क ट्रेडर्स होल्ड कर ले, 220 और 230 प्लस नजर आता हुआ दिखाई देगा, मगर खैर वो दिन वो टाइम क्या हुआ था प्राइस नीचे चले गया था, फिर भी मैंने बोला कि जो ट्रेल ऐसे कर रहा था वो हिट नहीं हुआ, तो आखिरी में अराउंड 180-190 में एग्जिट किया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसे ही देते हैं और 100 रुपये 5 रुपये का ऑप्शन 100 रुपये हो जाता है, या फिर 10 रुपये का ऑप्शन 150-200 रुपये हो जाता है, जहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन देते हैं, कभी कभी हम वहाँ पे शॉर्ट भी देते हैं। और ऐसा नहीं है कि
333 में बाई कर लिया और 350 में लगभग लगभग 5-6% मिनिमम प्रॉफिट विद मिनिमम लॉस के कॉल्स होते हैं। ये बिल्कुल फ्री ग्रुप है। अगर आपको हमारा ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, यहाँ पे सर्च बार टेलीग्राम डाउनलोड करें और सर्च बार में ग्रेटर एंड ग्रेटर सर्च करें और फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। और हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल टाइम नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दें।